हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर पर। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में देख कर आए हैं, मैं एक बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट जॉब अपडेट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मोस्ट प्रेस्टीजियस बात है, वो यह है कि ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड, यानी कि UPSC। आप इस एग्जाम की एफिशिएंसी और इंटेंसिटी इसी बात से समझ सकते हैं कि ये एग्जाम UPSC कंडक्ट करवा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा गजेटेड पोस्ट और बहुत ही हाई लेवल का सैलरी आप लोगों को मिलने वाला है। विदाउट एनी सस्पेंस मैं सीधे सीधे आप लोगों को बता देता हूं, हम लोग बात करने वाले हैं UPSC EPFO APFSC रिक्रूटमेंट के बारे में। EPFO जो कि आपका PF ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय प्रोमिनेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, भारत का PF ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर निकली है असिस्टेंट प्रोमिनेंट फंड कमिश्नर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट। यानी इन दोनों ही पोस्ट्स के ऊपर जो है वैकेंसी है। ग्रुप ए की पोस्ट है आपकी असिस्टेंट कमिश्नर की, APFSC कमिश्नर की पोस्ट, और ग्रुप बी की पोस्ट है आपके इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट। इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 25th ऑफ फेब्रुअरी, और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो 17 मार्च होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर के फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसकी फॉर्म फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और आपके EWS कैटेगरी वालों के लिए जो फॉर्म फीस है वो सिर्फ 25 रुपीज रखी गई है। हाँ, ओनली 25 रुपीज रखी गई है। बाकी SC ST फीमेल और फिजिकली हैंडीकेप लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखा गया है। इसमें मिनिमम एज लिमिट का तो कोई कॉलम नहीं है, बट हाँ मैक्सिमम एज लिमिट का कॉलम है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट होने वाला है वो 35 ईयर्स होने वाला है, और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 38 ईयर्स, और SC ST कैटेगरी से तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली आप 40 ईयर्स की एज तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मिनिमम एज सर कैसे पता चलेगा, तो मिनिमम एज आपको पता चलेगा इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये कहता है कि आप किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इस एग्जाम के फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि मिनिमम एज 21 से 22 ईयर्स हम यहाँ पर मान सकते हैं, क्योंकि मिनिमम इसी एज में आप लोगों का ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होता है 21-22 ईयर्स की एज में। तो वहां से लेकर 35 ईयर्स, 38 ईयर्स और 40 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम का अल्टीमेट सिलेक्शन टोटल 2 स्टेजेस में टिका हुआ है। जो पहला स्टेज होगा वो OMR शीट पर ऑफलाइन एग्जाम होगा, आपका OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जो टोटल आपका होने वाला है 100 मार्क्स का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे 120। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो स्टेज टू जो है वो आपका इंटरव्यू होने वाला है, जो कि 100 मार्क्स का है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। जनरल कैटेगरी में अगर आप है तो क्या कर रहेगा वगैरह वगैरह मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। स्टेज वन के बारे में मैं यहाँ पर फटाफट डिटेल में बात कर लेता हूँ। स्टेज वन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, टोटल 120 टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 मार्क्स का जो है ये आपका स्टेज रहेगा, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 मार्क्स की जो है वो नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करें कि आखिर सर क्या पूछा जाएगा हमारे 120 क्वेश्चन में, तो आपके जो क्वेश्चन वो जनरल इंग्लिश से आएंगे। जनरल इंग्लिश में बिल्कुल जनरल वाले क्वेश्चंस होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर आपको करेक्ट करना है, टेंसेस का मिस्टेक, नाउंस का मिस्टेक, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग सेकंड देखें तो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस तरह के टॉपिक्स के जो हैं वो क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट आपको जनरल साइंस से रिलेटेड ऐसा यूनिट पूछी जा सकती है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, बयान सी से रिलेटेड, बयान फोर्स से रिलेटेड, सर्च टाइप ऑफ टॉपिक्स के ऊपर इसमें जो है वो क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर का आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, आपके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप के कुछ बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल इसके अंदर आएंगे। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये इसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखिएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में, हम 2 से 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला फेज है, यानी कि 1885 से लेकर 1947 तक जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है पर्टिकुलरली,
वो आपको इसके अंदर पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी आपका कॉन्स्टिट्यूशन से बनने से लेकर आज कमेंसमेंट से लेकर के आज तक का पूरा। इंडियन इकोनॉमी भी आपको इसके अंदर पूछा जाएगा, बेसिक लेवल का इकोनॉमी आएगा, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं आएगा। करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आप बिल्कुल भी स्किप करने की गलती नहीं कर सकते हैं। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप लोगों को याद होने चाहिए, मतलब अगर हाँ अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक सी चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेट जॉब जो है वो अकाउंटिंग की जॉब है, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, इस टॉपिक को भी आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा सोशल सोसाइटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये कुछ पर्टिकुलर आप लोगों के टॉपिक्स होने वाले हैं, ये आपका सिलेबस है। और 1/3 की जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इन सबसे रिलेटेड आपको इसके अंदर जो है वो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। स्टेज टू के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पूरा स्टेज वन का हो गया, 100 questions 120 मार्क्स के आने वाले हैं, 2 hours का टाइम रहेगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। OMR बेस्ड टेस्ट है, स्टेज टू इंटरव्यू होगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके लिए ऑलरेडी फिक्स है कि आपको जो है वो क्वालिफाइंग, अगर आप जनरल कैटेगरी में तो 50 मार्क्स चाहिए, OBC कैटेगरी में तो 45 मार्क्स चाहिए, और SC ST या फिजिकली हैंडीकेप आप कोई भी है तो आपको 40 मार्क्स में आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप लगेंगे, इनिशियल इन हैंड सैलरी 60,000 रुपीज रहेगी, प्लस अब जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो यहाँ पर ये ट्विस्ट है कि जो फाइनल मेरिट है वो 400 मार्क्स की बनेगी। अब यहाँ आप थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे कि सर आपने एग्जाम तो जो बताया है वो 200 मार्क्स का ही हो रहा है, 100 मार्क्स का OMR बेस्ड टेस्ट है और 100 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू हो जाएगा, तो फिर ये 400 मार्क्स का कैसे हो जाएगा? तो देखिए सीधी सी बात, ये स्टेज वन जो आपके 100 मार्क्स का है उसमें मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, यानी पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन जितना भी मार्क्स उसे असाइन किया जा रहा है उसे 3 times बढ़ा दिया जाएगा, और इस हिसाब से स्टेज वन आपका जो हो जाएगा वो अल्टीमेटली 300 मार्क्स का हो जाएगा और इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होगा। फिर दोनों को कंबाइंड करने के बाद